भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के फाइनल प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। किसे मिला है टीम में मौका और कौन सा खिलाड़ी हुआ है प्लेइंग 11 से बाहर, जानेंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, आपके मुताबिक क्या भारतीय टीम आज वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती 2 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 3 रनों से मात दी, तो वहीं दूसरे वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल की धुआंधार पारी के बदौलत 2 विकेट से जीत दर्ज की। आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला आज खेला जाना है। भारतीय टीम ने सीरीज पर पहले ही कब्जा जमा लिया है, ऐसे में आज शिखर धवन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि तीसरे वनडे मुकाबले के लिए कैसी होगी भारतीय टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों, शिखर धवन और सुमन गिल हमें पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे, जबकि इनके अलावा नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर होंगे। चौथे नंबर पर एक बड़ा बदलाव सूर्य कुमार यादव के रूप में देखने को मिल सकता है, जहां सूर्य कुमार यादव की जगह हमें ईशान किशन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 पर संजू सैमसंग होंगे। छठे नंबर पर दीपक हुड्डा खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर होंगे, नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर युजवेंद्र चहल होंगे। वहीं नंबर 11 पर आवेश खान की जगह एक बड़ा बदलाव हमें अर्शदीप सिंह के रूप में देखने को मिलने वाला है। अर्शदीप सिंह को आज वनडे डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, ये है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।